महामारी को लेकर लोगों में क्या अपील है और अभी पहल क्या चल रही है? जो लॉकडाउन का मामला है, हमने अपील भी किया था अपने बक्सर वासियों से, 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर आप जहां रहें 1 मीटर की दूरी पर रहें, और जो भी असुविधा आपके समक्ष हो रही वो मेरा कंट्रोल नंबर से संपर्क नंबर हमने प्रसारित करा दिया है। कोई भी असुविधा हमारे आम जनों को हो, वो कंट्रोल नंबर से संपर्क करने के बाद सुविधा में तब्दील हो जाएगी, चाहे वो पशु चारा का मामला हो, गैस वितरण संबंधी मामला हो। जो गरीब राशन कार्ड से वंचित हैं उनके लिए हमने रैन बसेरा की व्यवस्था कर दी है, और लोगों जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं उनको रैन बसेरा में, मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि मेरा रैन बसेरा में जिला प्रशासन की तरफ से भोजन की व्यवस्था कराई गई है। जो राशन कार्ड से गरीब वंचित हैं, जो मजदूरी दैनिक मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे, उनकी व्यवस्था हमने लॉकडाउन के तहत रैन बसेरा में भोजन की कराई है, और जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था वहाँ कर रहा है। और मेरे कंट्रोल नंबर पर जो भी व्यक्ति संपर्क करते हैं उनको उचित सुविधा दी जाती है, और ये ध्यान में रखने को कहा जाता है कि जो लॉकडाउन है वो आपके लिए है, 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग आप बना कर रखें तो आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा, और आने वाला समय से ये वैश्विक महामारी कोरोना से हम बच सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, स्वास्थ्य सेवा जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा में देखा जा रहा है कुछ सामान मिलती है कुछ सामान नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, इसमें आपदा में हम लोगों ने 50-50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री के कोष में दे रखा है, और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि वर्तमान समय में वो किट, सैनिटाइजर और मास्क के हमारे बक्सर वासियों की समुचित व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि केंद्र में भी इस आपदा से लड़ने की जो क्षमता है वो कम है, मात्रा में कम है, तो जिला में पार्ट वाइज जाएगा। उम्मीद है कि जब हम 4 विधायक मंत्री ने 2 करोड़ रुपये की राशि योगदान दी है तो हमारे जिला में समुचित व्यवस्था हो जाएगी, और मेरे विधानसभा में तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि संसाधन, मेडिकल संसाधन की कमी है, लेकिन लोग इससे अगर 1 मीटर के डिस्टेंसिंग पर रहें तो ये दूरी बनी रहे तो ये लॉकडाउन के द्वारा इस कोरोना महामारी से निजात मिल सकता है। क्या लग रहा है कि 14 अप्रैल के बाद से? अब तो ये भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा नहीं होगा, जब तो आपदा बढ़ने की उम्मीद है। अब तो जैसी कमेटी की बैठक चल रही है, हो सकता है कि बढ़ भी जाए, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। हाँ, रेशियो लगातार बढ़ते हैं, तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ये लॉकडाउन बढ़ेगा, उम्मीद की जा रही है।